हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला रायपुर के अंतर्गत प्रतिनियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी किए गए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में। जी हां दोस्तों, 13 जुलाई 2022 को एक नोटिफिकेशन जारी की गई है जिसमें 14 स्कूलों के लिए, जी हां दोस्तों, स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय रायपुर के अंतर्गत 14 स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम के टीचर्स के लिए विज्ञापन जारी किया गया है जो पूरी तरह से प्रतिनियुक्ति के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार इनके कार्यालय में जिला शिक्षा अधिकारी टैगोर नगर चौक पेंशनवाड़ा रायपुर पिन कोड 492001 के पते पर 27 जुलाई 2022 तक स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से या कोरियर के माध्यम से भी आप आवेदन कर सकते हैं। एक बात आपको ध्यान रखनी होगी कि आपको सीधे कार्यालय में जमा नहीं करना है। इसकी और अधिक जानकारी के लिए या आप इनके प्रारूप को डाउनलोड करने के लिए इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन का चेकआउट जरूर करिएगा या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर इनके द्वारा कुछ नियम और शर्तें दी गई हैं जिसे आप आवेदन करने से पहले जरूर पढ़ लीजिएगा। जैसे कि छत्तीसगढ़ राज्य के जो शासकीय विद्यालयों में जो पदस्थ शिक्षक होंगे, जैसे कि प्राचार्य, व्याख्याता, प्रधान पाठक, शिक्षक, सहायक शिक्षक, ग्रंथपाल, व्यायाम शिक्षक, कंप्यूटर शिक्षक ही प्रतिनियुक्ति के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके अलावा गैर शैक्षणिक पदों के लिए राज्य में जो पदस्थ नियमित कर्मचारी हैं वे भी आवेदन कर सकते हैं। और छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा जो लेटर जारी किया गया था उन्हीं के आधार पर प्रतिनियुक्ति की सेवा शर्तें लागू की जाएंगी। इसके अलावा जो प्रतिनियुक्ति के लिए जो भी आवेदक आवेदन करना चाहते हैं उनको जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र भी बनवाना अनिवार्य है। अगले पॉइंट की बात करें तो विज्ञापन में जो भी स्कूलों के लिए प्रतिनियुक्ति प्राचार्य अंग्रेजी माध्यम के लिए जो पद निकाली गई हैं उनकी स्कूली शिक्षा या महाविद्यालयीन शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर और भी पोस्ट दी गई हैं जैसे कि व्याख्याता, प्रधान पाठक, प्राथमिक शाला सहायक शिक्षक आदि के लिए इनकी महाविद्यालयीन या स्कूली शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में होना अनिवार्य है। इन्होंने यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि जो भी अपूर्ण या अस्पष्ट या त्रुटिपूर्ण आवेदन करते हैं तो उन आवेदनों को निरस्त कर दिया जाएगा और इसकी सूचना अलग से आपको नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो लिफाफे के ऊपर आपको पद का नाम, विषय और आपका अध्ययन के माध्यम को स्पष्ट रूप से आपको लिखना होगा। इसके अलावा आपको किसी भी एक स्कूल में ही आपको आवेदन प्रस्तुत करना है। जैसे कि मैंने पहले बताया है कि जो नोटिफिकेशन के पीडीएफ फाइल में ही आपको आवेदन का प्रारूप मिल जाएगा जिसकी अधिक जानकारी के लिए आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट का अवलोकन जरूर करिएगा जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर हिंदी माध्यम के पदों का विवरण निम्नानुसार दिया गया है जिसे आप आवेदन करने से पहले जरूर पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर अलग अलग स्कूलों के लिए अलग अलग पोस्ट निकाली गई है जो विषयवार यहाँ पर दिया हुआ है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं सेजस लालपुर रायपुर के लिए भी यहाँ पोस्ट निकाली गई हैं, शांति नगर रायपुर के लिए हिंदी माध्यम में पोस्ट निकाली गई हैं, महोबा बाजार रायपुर के लिए यहाँ निकाली गई हैं, तिलक नगर गुड़िहारी रायपुर के लिए भी पोस्ट निकाली गई हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं जितनी भी पोस्ट निकाली गई हैं आप जिन स्कूलों के लिए आवेदन करना चाहते हैं उसकी पूरी डिटेल यहाँ पर दी हुई है, आप आवेदन करने से पहले जरूर पढ़ लीजिएगा। इन पदों पर आवेदन करने के लिए आपको इसी जो नोटिफिकेशन के पीडीएफ फाइल में इनका प्रारूप मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं लिफाफे का प्रारूप यहाँ पर दी गई है। आपको यहाँ पर पद का नाम और विषय का नाम, विद्यालय महाविद्यालय का जो अध्ययन का जो माध्यम है आपको यहाँ पर दर्ज करना होगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको पूर्ण पता देना होगा और यहाँ पर प्रतिनियुक्ति हेतु आवेदन और सहमति पत्र दी गई है जिसे आपको पूरा भरने के बाद इनके कार्यालय में ऑफलाइन के माध्यम से या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आपको आवेदन करना है। तो दोस्तों, यह रही रायपुर जिले के अंतर्गत प्रतिनियुक्ति के आधार पर जारी किए गए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में पूरी जानकारी। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और इस जॉब से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट भी कर सकते हैं और इसी तरह की जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि जब भी मैं जॉब रिलेटेड वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले इसकी नोटिफिकेशन आपको मिले और समय रहते आप आवेदन कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।